नहीं पहले सीट फिट करो उसके बाद ले जाएंगे। ए बाप रे गाड़ी आज से ही चले छी हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल टेरादर वीडियो। सब कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे हो। एंड गाइस हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस इस साल दोनों ही एक ही दिन में पड़े हैं, सरस्वती पूजा और रिपब्लिक डे एक ही दिन में। भाई तो बहुत रश है, मतलब गाइस इस साल कोलकाता में राइड नहीं कर पाए भाई। तो हर साल क्या होता है, बहुत सारे भाइयों से मुलाकात होता है, एक छोटा मीटअप भी हो जाता है भाई, लेकिन इस साल नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, घर में पूजा चल रहा है भाई। तो हम लोग का पूजा भाई ये बहुत पुराना पूजा है, तो गाइस इसके बारे में और एक वीडियो में बताएंगे। तो अभी तो नीचे पूजा शुरू हो चुका है, तो पहले वो घर का पूजा दिखाएंगे एंड उसके बाद भाई आज मालदा में ही राइड करना है तो दोस्त लोग के साथ। और रातुल का नया बाइक भी आ चुका है, सो गाइस दोनों ही ट्रेनर लेके निकलेंगे। और हाँ निर्मल का भी है, तो ट्रेनर लेके निकलेंगे तीनों और शायद तबाही मचाएंगे भाई मालदा में। तो गाइस चलो नीचे पूजा पाठ आप लोगों को दिखाते हैं हमारे घर में कैसे पूजा होता है एंड उसके बाद एकदम बाइक लेके निकलेंगे। तो चलो वीडियो स्किप मत करना भाई, वीडियो देखते रहना ओके। एंड चलो नीचे चलते हैं भाई। चलो बाइक निकल चुकी है गाइस एंड ये लाइट्स भी फिटेड हो चुके हैं। माँ का मूर्ति देखो, तो लाइट्स भी अभी लगाए भाई। गाइस कैसा लग रहा है चलो बताना। ये रही बाइक भाई। चलो गाइस अभी निकलते हैं और आपसे मिलते हैं एकदम मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो चलो गाइस निकलते हैं भाई। तो चलो गाइस निकल गए, अभी जाना है पहले रातुल के घर। भाई का ज़ेरॉक्स ट्रेनर आ चुका है भाई, कल ही रात में पहुंच जाए उसका ज़ेरॉक्स ट्रेनर। अरे तो गाइस आज तो कुर्ता पायजामा पहन के राइड कर रहे हैं एंड टू बी ऑनेस्ट काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ भाई। भोसरी के कुछ दिन बाद शादी करने वाला है बोल रहे दोस्त थे। ए तू लात मारते वाली सुना रहे लात मारी लात मुँह के गाइस। ये भाई रातुल का ग्रीन बीस्ट अभी निकलने वाला है भाई। चलो गाइस अभी चलते हैं बात की तरफ भाई। तो गाइस कुछ देर बाद श्रेया को लेकर निकल रहा है और रातुल भी भाई अपने बीवी को लेकर निकलेगा। अरे यार और भाई अभी मुझे ब्लॉगिंग करते हुए ना नींद भी बहुत आ रहा है क्योंकि रात भर काम था पूजा के लिए और ठीक तरह सोए भी नहीं। थोड़ा भीड़ कम लग रहा है यार यहाँ पे। चलिए आज 26 जनवरी और पूजा एक ही दिन में हो गया भाई। तो
गाड़ी आस्ते ही चले छी कैप्चर कैप्चर थाने नहीं चले जाओ गाड़ी यार गाइस वो तो पुलिस वाला छेद दे रहा था कि गाड़ी ऐसा मत करो नहीं तो गाड़ी थाने में लेके चले जाएंगे। अरे भाई ऐसे ही थाने में लेके चले जाओगे गाइस? ये मामू लोग का भी काम काज नहीं है भाई। यार धीरे से ही बाइक चला रहे थे, बोले कि धीरे से जाओ धीरे से जाओ। अरे कहाँ 100 में चला रहे थे क्या, दिखाई नहीं दिया आपको? फिर मैंने सोचा चलो पूजा का दिन है, ऐसे ही बहस करके अपने भाई इस दिन को खराब नहीं करना है, नहीं तो बहस जरूर करते। ये इनलाइन फोर बाइक साउंड नहीं करेगी तो क्या करेगी, चुपचाप सीटी बजाते हुए जाएगी भाई बाइक। वाह 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 भैया वाह, कान में फोन लेके मुझे ठोकने आ रहा था। एंड गाइस श्रेया अपने लिए सीट लेके आ चुकी है भाई, जाएगी इसलिए पहले सीट लगाओ उसके बाद ले जाएंगे। नहीं पहले सीट फिट करो उसके बाद ले जाएंगे। कोई सीट लागे नहीं, देखी नोर चे सीट लगाते बाद ले ही नहीं जा ले ले नो जा माने ये ऐसे लोग ही क्या बात है, নিজেই পারে না আবার আমাকে বলছে। তো আমি তো এরকমই করেছিলাম, খালি চাবি বেরাচ্ছিল না। কি আমি এরকম করেছিলাম না? তুই গাইস রাতুল আ চুকে, মিষ্টি ভি আ চুকি হ্যায়, পাও মে কিয়া হুয়া থা, গির গই। দেখিয়ে দেখিয়ে সেম ইসকা নাখুন উঠ গয়া। তো চলো গাইস আবি হাম লোগ মতলব ব্যাচেলর নেই बीवी को लेके घूम, बैचलर लाइफ हो चुका है भाई, अभी तो कपल लाइफ। चलो घूमने चलते हैं गाइस और मिलते हैं आपसे एकदम मोटोब्लॉगिंग सेटअप पे। तो भाई करण भी आ चुका है, नया दूल्हा दुल्हन किरे नतुन बहू, कैसा लग छे? खूब भाल लग छे। अरे काका ধরে বস থাকো না, আস্তে আস্তেই তো চালাচ্ছি পাগল, আস্তে আস্তেই তো চালাচ্ছি, তোমাকে উড়িয়ে ফেল দিব भाई। कोई रैली चल रहा है भाई, अरे दिमाग खराब हो गया, बाप रे बाप, फाइनली इस ट्रैफिक से निकले, बाप रे बाप। हट यार गाइस चारों तरफ जाम देखो। यार गाइस श्रेया वन साइड करके बैठी है, उसके ऊपर भाई इतना जैम, सरस्वती पूजा के दिन तो होता ही है, उसके ऊपर इतना टोटो रिक्शा चल रहा है, मालदा का रोड बहुत ही कंजस्टेड है भाई, इसीलिए गाइस। ए बाप रे बाद में मेला लग चुका है, मेला गाइस। हाँ
चलो बात पे आ चुके हैं भाई। ओ गर्मी से एकदम पसीना पसीना हो गया, इतना गर्मी लग रहा है। बाइक इतनी हीट हुई ना भाई, बहुत ही हीट हो चुका है बाइक। एक तो आगे ही तो रेखे दिलम, टाका तो दिए गलम, आबार दिए दिब। हाँ कर दिब, तुम तो आगे थे चिल्लाचो तो जानी तो हमरा। यार इतना गर्मी लग रहा है, उसके ऊपर गुस्सा दिला रहा है। सो गाइस ये वीडियो यही तक था। एंड वो जो इंसिडेंट हुआ अचानक, उस ऑफिसर ने रोका तो भाई क्या बोले, वाह सर वाह। तो सर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आई रियली रिस्पेक्ट दैट यूनिफॉर्म। फिलहाल आपके लिए रिस्पेक्ट है कि नहीं मुझे पता नहीं है, और नहीं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता हूँ, बट रिस्पेक्ट दैट यूनिफॉर्म। एंड जैसा हुआ मतलब अचानक आया, हाँ सर करोगे बाइक सीज कर लेंगे। मैंने सोचा मैंने क्या किया, उस दिन बहस नहीं किया क्योंकि पूजा का दिन था, 26 जनवरी था भाई, अपने उस दिन को बेकार नहीं बनाना था, इसलिए भाई ज़्यादा बहस नहीं किए। तो फिर स्लैक को लेकर भी निकलना था, तो यही बात था। तो गाइस और सर आपसे भी पूछना चाहता हूँ, तो मैंने वहाँ पे क्या किया था, आपने जो मुझे थ्रेट दिया एकदम माफिया की तरह, बाइक सीज कर लूँगा, ऐसा कुछ कर लूँगा, ओके, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, वहाँ पे ज़्यादा रेप किया था या कोई लड़की का चक्कर लगाता रहा था बाइक लेके, या भाई किसी को डिस्टर्ब कर रहा था, या किसी ने आपको मेरे बारे में कंप्लेन किया, या बाइक के बारे में क्या हुआ था, अचानक पक आके ये करोगे बाइक सीज कर लूँगा, क्या किया था मैंने अभी तक मुझे मतलब दिमाग में नहीं आया मेरा। तो जो भी हो, यस आई ट्रूली रिस्पेक्ट द सर्विस ऑफ पुलिस, बट लिसन सर, योर सर्विस इज टू सर्व द पीपल, पब्लिक इज नॉट योर सर्वेंट, ये आप भी जानते हो। फिलहाल आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे बहुत मन ही मन में गाली दे रहे होगे, और सोचोगे नेक्स्ट टाइम रोड पे बाइक लेकर दिखेगा फिर पकड़ूंगा, पकड़ो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अगर गलती होगा वो भी ऑडियंस को दिखाएंगे, अगर मतलब आपका गलती होगा वो भी ऑडियंस को दिखाएंगे। गाइस इससे पहले भी बहुत पुलिस ऑफिसर ने मतलब पकड़ा है, ओके रोड पे पकड़ा है, बहुत ने अच्छी तरह बात किया है। अब कृष्णनगर जब गए थे जबरदस्ती पूजा देखने, एक ऑफिसर के साथ मुलाकात हुआ था, उसने भी रोका था भाई, कितना अच्छी तरह बात किया। मालदा में भी कुछ दिन पहले एक ऑफिसर के साथ बात हुआ, मतलब बहुत सारी जगह रोकता है बाइक देख के पूछता है बाइक के बारे में, तो बहुत अच्छी तरह बात होता है, बहुत पोलाइटली पेश आते हैं वो लोग। तो हाँ मैं मानता हूँ पुलिस पुलिस का ड्यूटी सिर्फ पोलाइटली नहीं, थोड़ा भाई सख्ती से भी पेश आना चाहिए, बट नॉट लाइक दैट, ये वही नहीं है। तो जो भी हो फिलहाल बात को और बढ़ाना नहीं चाहते, तो गाइस वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताना। एंड नेक्स्ट 3-4 वीडियो और एक्साइटिंग होने वाले हैं भाई, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना बॉस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो, हंसते रहो।